बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुरैल, काशिफ खुरैल जंत्री और यूट्यूब चैनल खानिया टीवी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह बकरा के फ़ज़ाइल व वज़ाइफ के हवाले से। सूरह बकरा कुरान पाक की एक बड़ी सूरत है और ख़ास तौर पर यह सूरत जो है वो सहर, जादू, बंदिश, बाद असरात, नज़र बाद के असरात के खात्मे के लिए बहुत मौसर है। रोज़ाना इस सूरह मुबारक की तलावत जो है वो करें तर्जमे के साथ और पानी पे दम करके पानी पिएं, और अल्लाह के फजल करम से आप जिस जगह पे, घर पे हैं, दुकान पे हैं, ऑफिस में हैं, मकान में हैं, कहीं भी हैं, अगर आप पे कुछ सहर जादू के असरात हैं, घर पे कुछ सहर जादू के असरात हैं, कोई असेब के असरात हैं, कोई नज़र बद के असरात हैं, तो वह फजल तला वो ख़त्म हो जाएंगे। और चूँकि बड़ी सूरत है, इसको पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आप रोज़ाना जो है वो दो या तीन सफ़े या चार सफ़े जितनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं पढ़ना शुरू कर दें, और अगले दिन फिर चार सफ़े पढ़ लें, तीन सफ़े पढ़ लें, अगले दिन पढ़ लें, रोज़ाना तलावत करते जाएँ, चंद दिनों में इसको ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा शुरू कर लें। हसब तफीक, हसब जो है जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं उतना आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। वो लोग जो सूरह बकरा पढ़ने में या पढ़ाई करने में उनको दिक्कत हो तो वो सूरह बकरा की को ऑनलाइन जो है वो तलावत लगा लें। आप यूट्यूब पे जाके जो है वो तलावत इसकी अगर लगा लेते हैं सूरह बकरा की घर पे या दुकान पे, तो कुछ दिन आप तलावत सुनेंगे तो आप यकीनी तौर पर महसूस करेंगे कि घर पे से जो नहुसत के साथ है, बद असरात हैं, नज़र बद के असरात हैं, वो ख़त्म होंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें जब उनको ये बताया गया वजीफ़ा या अमल, उन्होंने बताया कि जब से हमने ये तलावत लगाई है तो हमारे घर पर कुछ स्मेल की आती थी, बदबू आती थी, और वो ख़त्म हो गई है। कई उन्हें ये बताया कि जी कारोबार रोज़गार में बहुत बरकत हो गई है, कामयाबी तरक्की शुरू हो गई है। किसी ने बताया कि जी नहुसत के असरात जो थे, नज़र बद के असरात थे, सूरह बकरा की रोज़ाना तलावत सुनने से जो है, जैसे आप जो है वो सूरह रहमान की तलावत जो है वो जिस्मानी अमराज में बहुत मुफीद है, इसी तरीके से रूहानी अमराज के हवाले से उनके खात्मे के लिए, बंदिशी असरार के खात्मे के लिए, सहर जादू के खात्मे के लिए सूरह बकरा की तलावत जो है वो रोज़ाना सुनना जो है आप लगा लें, तर्जमे के साथ लगा लें तो वो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। बेहतर यह है कि आप बगैर तर्जमे के लगा लें तो वो आपको तकरीबन एक घंटे में, दो घंटे में जो है वह तौफीक उसके मुताबिक होती है, स्पीड के हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से आप इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में लगाएं ताकि पूरे घर में जो है वह पूरी दुकान पर या ऑफिस में थोड़ी सी आवाज़ उसकी आती रहे, तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे चंद दिनों में ही वो बद असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा किसी किस्म का भी सहर जादू के असरात है, बंदिश के असरात है, जो सालहा साल से ख़त्म नहीं हो रहे, तो उसके लिए लोहे हिफाजत बनाएं। लोहे हिफाजत बनाने का तरीकाकार यह है कि आप सूरह बकरा का नक्श जो है वो मुरबा नक्श कुंदा करें, उसका जो अदाद है, अदाद में से माइनस जो है वो 30 करके, तो उसको चार पे डिवाइड करके जो है वो नक्शी अदाद निकल आते हैं, और उसके मुताबिक कसर भी जो है वो दी जाती है, जितना कोई अदद कोई बचता है, और उसको सात शम्स के अंदर जो है अगर आप इतवार के रोज़ इस अमल को करते हैं या जुमेरात को करते हैं तो बहुत मौसर है। और इसको मेटल पे, गोल्डन मेटल के ऊपर कुंदा करें, और दूसरी तरफ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो और हिफाजती नकूश हैं वो भी उसको तैयार करें, या हाफिज़ो या फीज़ो का नक्श जो है वो भी साथ कुंदा करें, तो इंशाल्लाह आप अपने पास रखें, अलमारी में, दराज में, ब्रीफकेस में, कमरे में, घर में, दफ्तर में, कहीं भी ये लो रखें लोहे हिफाजत, तो इंशाल्लाह आप देखें कि 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर से और दफ्तर से, ऑफिस से, और आपके ऊपर से भी किसी भी किस्म की कोई घर पे या आपके ऊपर कोई किसी किस्म का सहर जादू है, बंदिश है, नज़र बद है, बद असरात है, असेबी असरात है, वो अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप किसी किस्म का कोई जैचस्त खराब बनवाना चाहते हैं, या आप अपना लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, या आप अपनी बुर्ज सारी की लो बनाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी है, 7 सितारों की लो है, 7 सितारों और 7 नगीनों की लो है, जिस 7 नगीने भी लगाए जाते हैं इस लोगों के ऊपर, और उसके अलावा अगर आप किसी किस्म की मज़ीद कंसल्टेंसी चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी अपने मामला और मुश्किल के हल के लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। वो सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।